ऐसा कभी हुआ है बुलेट चला रहे और साउंड नहीं है? इसे कहते हैं बुलेट प्रूफ साउंड। है व्हाट्सअप गाइस, दिस इज सूरज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जरूस ब्लॉग। आज है 27th of January और अभी टाइम हो रहा है 11। सो हम और एक भाई जाने अभी जा रहे हैं गोरिया की तरफ, क्योंकि उस भाई को एक पुराना बुलेट लेना है 19th century का। उसने एडवांस से बुकिंग कर दिया, उसको फॉर्म भी ले लिया, जो फॉर्म शायद 37 या 35 ऐसा कुछ लगता है मे भी, और गाड़ी भी पहले देख के आया है। एक्स्ट्रा हमने कुछ सामान लिया, जैसे 2 लीटर तेल, एक बैटरी। वहाँ पे जाके ये फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो चला के देख लेगा, अगर पसंद आया तो ले लेगा। और जो फाइनल कॉस्ट आ रहा है वो उसको 25 पड़ रहा है। और जो बंदा इसको लिए हुए थे पहले वो ऑक्शन में खरीदा हुआ था। चलो वहीं पे दिखाते हैं डायरेक्ट जाके, और हम भी देखते कैसा है। दान दिए जा, सो गाइस ये है पाटुली के मोड़। पाटुली मोड़ पे यहाँ पे हम लोग को सार्जेंट पकड़ा हुआ था, विदाउट लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास नहीं है इसी कारण। सो स्पॉट फाइन लिया 100 रुपीज़ का, और भाई का कुछ जान पहचान था शायद बालीगंज पे, बात किया, 100 रुपीज़ स्पॉट फाइन लिया, छोड़ दिए। मतलब वो लोग भी कितना सियाना है। सो चलो, उन्होंने पहले ही आके बता दिया कि कैमरा ऑफ कर दो। सो इसी कारण मैंने कैमरा पॉज कर दिया था उस टाइम पे। सो फिर पूछने लगे कैमरा के बारे में, बातचीत की। इसीलिए कहता हूँ गाइस, अगर कोलकाता के रोड पे अगर आपको गाड़ी चलाना है तो लुकिंग ग्लास मस्ट, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन आपका लुकिंग ग्लास पे ही पड़ता है। मतलब सर्जन अगर देखेगा पहले आपका, पहले सर्जन का नज़र जाएगा लुकिंग ग्लास पे। लुकिंग ग्लास नहीं है तो वो रुकवाएगा ही रुकवाएगा। और उसके बाद तो पेपर लाइसेंस तो मस्ट है, पॉल्यूशन। सो कब जब भी आप गाड़ी चलाओ कहीं पर भी तो पेपर एटलीस्ट कैरी करो। जैसा इस गाड़ी का पेपर अभी नहीं था, वो परसों या 2-3 दिन पहले ये सर्विस में दिया हुआ था। सो पेपर वो खोल के रखा, मतलब पेपर वो रखा हुआ था अपने घर पे और भूल गया। सो ऑलवेज पेपर कैरी करना विथ लाइसेंस। और मिरर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बाइक का, सो उसको भी लगा के ही रखना, मेरे ये मानना है। अब फिर तो आपकी मर्जी। तो ये है गोरिया बस स्टैंड, और यहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट। ए देखे ब्रेक तो मारो, वो ओ बाबा दिखते क्या बात होच्छे। बाप रे बाप, संडे के दिन भी इतना जैम। रविवार मानुष এখানে কি কাজ করে যে এত ভিড়? এত লোক সব একসাথে বাজার করতে এসে, মানুষ তো বাজার সকালবেলা করে। লো জি হাম আ গয়ে হ্যায়। সো ইয়ে রহা বো বুলেট,
जिसको भाई खरीदने आया हुआ है। नहीं कि काय आज करे नहीं तो बोलते हैं तेल डालो। तो चलो इसको पहले पूरा काम करने देते हैं, उसके बाद व्यू दिखाते, ओवरव्यू, और हो सका तो अगर अभी डिलीवर हुआ तो मैं इसको शायद चला सकता हूँ। আচ্ছা এই পাশে না, এটা কি সবই সামনে? काफी डिफिकल्ट है भाई साहब इसको चलाना। मतलब आज घर जाते टाइम बैंड बजने वाला है। वाह, एक किक में स्टार्ट। गाड़ी मस्त चल रही है, एक किक में स्टार्ट भी हो गया, साउंड भी काफ़ी तगड़ा है। सिर्फ एक दिक्कत आएगा जो है गियर और क्लचिंग, गियर और ब्रेकिंग में। বাদিকে ব্রেক তো একটু অসুবিধা হবে না, গাড়ির সব মোটামুটি ঠিক আছে, মানে ব্রেক সামনে ধরে না একটু দেখে নিবি, ওইটা ওইটা পা ইয়ে করবি।
प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया और ये जो भाई है इस गैरेज में काम करते हैं, सो इन्होंने मेरा पहले वीडियो देखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगा कि बाहर का कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं। सो गाड़ी वहाँ पे रखा हुआ है, काम कंप्लीट, अभी जाने की तैयारी है। तो चलो आपको रोड पे मिलता है, गाड़ी चलाते टाइम मतलब घर जाते टाइम हम ही चलाएंगे। আরে তেলের চাবি কত দিয়ে অফ করেছে, তেল উপরে তো একটা উপরে বাদ বাকি সব নিচে। চলো দেখতে কতনা দের তক পৌঁছ পাতে হ্যাঁ, কিন্তু ইসকে অভি কাফি সাবধানি সে চালানা পড়েগা। यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रहा है, लेफ्ट साइड में ब्रेक है और हैंड ब्रेक भी काफ़ी लो है। साउंड आ रहा है गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
ऑर्डर सॉरी पेन का ना पेन के मुझे लाइसेंस जो ক্যামেরা সেট আপ নিয়ে 8,500-9,500। এই ক্যামেরাটা কী কাজে লাগে? আমার অ্যাকচুয়ালি ইউটিউবের চ্যানেল আছে, যেখানে জিনিসটা হচ্ছে না মানে সিচুয়েশনটা ঠিকঠাক যাচ্ছে না, হ্যান্ডেল হচ্ছে না, তখন না সিকিম যাওয়ার প্ল্যান চলছে বাইক। ইউটিউবের চ্যানেল আছে, গ্রুপ আছে। এরপরে ভালো অফার লাগলো, তাহলে পরে দেখা করে আচ্ছা। सो गाइस अभी क्या है ना कि यहाँ पे एक सर्जन खड़े थे, वो हमको पकड़े हुए थे। रीज़न की लुकिंग ग्लास नहीं है। सो लुकिंग ग्लास मस्ट है बाबू लोग, ध्यान से रखना। सो उनको बताया कि ऐसा ऐसा बात है, अभी लेके आए, ऑक्शन का गाड़ी है। सो लास्ट में उन्होंने यही कहा, तुम्हारा जो बात है और हंसी है काफ़ी अच्छा है। सो नेक्स्ट टाइम से इसको थोड़ा काम करवा के लुकिंग ग्लास एटलीस्ट लगा लो, पेपर चेक किए। सो छोड़ दिए। सो मेरा स्माइल जो है ना काफ़ी फेमस हो रहा है धीरे धीरे। अभी फिर इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। ऐसा कभी हुआ है बुलेट चला रहे और साउंड नहीं है? इसे कहते हैं बुलेट प्रूफ साउंड। जोक्स अपार्ट, तो चलो इसको पहले तो भाई के लोकल जो गैराज है वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। और इसका अभी मॉडिफिकेशन बाकी है, उसका भी वीडियो जल्दी आ जाएगा।